नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के बारे में। दोस्तों यह वीडियो स्पेशल वैकेंसी को लेकर होने वाली है और इसमें सारे वैकेंसियों का डाटा आपको बताया जाएगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आपकी कौन कौन सी वैकेंसी होने वाली है और जो 50 से लेकर 52 हज़ार की वैकेंसी जो करीब आने वाली है वो वैकेंसी कौन कौन सी है। ठीक है, बहुत से भाई पुराने जितने भी एग्जाम हुए होंगे छट गए होंगे, कहीं पास आके कहीं 2 नंबर 4 नंबर, तो उनसे उस वैकेंसियों से ज़्यादा अच्छा मौका आपके पास है इस वैकेंसी में ऐड होने का और बहुत ही सरल तरीके से वैकेंसी में कंप्लीट करने का, क्योंकि 52 हज़ार भर्तियाँ हैं, बच्चे हर एक वैकेंसी में अप्लाई करेंगे, फाइनल कट ऑफ में कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरी वाइज जब मेरिट बनेगी तो कहीं ना कहीं एक मौका ज़रूर मिलेगा किसी भाई को अन्य पद में जाने का, क्योंकि हाई स्कूल आधार पर भर्ती है तो कहीं ना कहीं मौका आपको मिल सकता है। तो आपको बताया जाएगा किन किन विभागों में भर्ती होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आधा देखते हैं वीडियो पूरा देखा कीजिए। अधूरी ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होती है, ठीक है, अधूरा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, कोई काम अधूरा ना किया कीजिए, पूरा किया कीजिए, सफलता 100% मिलेगी आपको। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं नोटिस को। नोटिस में बहुत ही विस्तार से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बताया है जो कि कौन सी वैकेंसी किस कैटेगरी में होनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विज्ञापन संख्या है, इसमें मैंने कल एक चीज़ बताया था, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, ओटीआर करना आपको जरूरत नहीं है, ओटीआर को आप छोड़ दीजिए। ओटीआर तो वैसे भी बहुत ही फालतू चीज़ थी, इतना लंबा प्रोसेस था कि कोई भी साइबर कैफे वाला फार्म भरने से ही डरता था। ठीक है, अब देखिए पदों का जो विवरण यहाँ पर दिया गया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों का विवरण है, ये पे ग्रेड है आपका कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1900 से लेकर 4600 का है, मतलब ये जो 4600 है ना गजब की पे ग्रेड है, जो भी वैकेंसी होगी पता नहीं कौन सी है, काफ़ी अच्छा इसमें वेतनमान होगा, बहुत ही अच्छी सैलरी होगी। तो यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि आपको यहाँ से पहुँच के, ठीक है, यहाँ तक जाना होगा, जितनी बड़ी सोच उतने अच्छा सफलता। ठीक है, अब इसके अंतर्गत राज्य के अधीन समूह ग के जितने पद आएंगे, समूह ग की भर्ती होगी या समूह घ की भी भर्ती होगी, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ग को मेंशन किया गया अलग की बात है, लेकिन ग भी इसमें योग्यता रहेगी, लास्ट में कुछ ग्रुप डी या कुछ विभाग की भर्ती इसमें सम्मिलित की जाएगी। मेन मेन पदों के बारे में अधीनस्थ ने बता दिया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कनिष्ठ सहायक जो रहेगा आपका, ठीक है, कनिष्ठ सहायक की भर्ती फिर से आने वाली है और काफ़ी बड़े स्तर पर आएगी, आंसुलिपिक स्टोनों की भर्ती आने वाली है, गन्ना पर्यवेक्षक का भी चल ही रहा है, फिर गन्ना का एक भर्ती और आ गई, ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आ गई। ठीक है, बीडीओ 2018 का भी एग्जाम चल रहा है, अब वीडियो 2021 भी आ गई। ठीक है, तो आपके पास अच्छा मौका है दोनों वैकेंसी में बैठने का, जो पुराने अभ्यर्थी हैं दोनों में बैठेंगे, कहीं ना कहीं अपने सेट हो जाएंगे, बढ़िया तैयारी रहेगी, कहीं ना कहीं 100% सफलता ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों मौका आपको यहाँ पे बैठने का, राजस्व लेखपाल चकबंदी लेखपाल। ठीक है, यहाँ पर भी है, बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि क्या सर राजस्व लेखपाल चकबंदी लेखपाल में पदों की संख्या बढ़ेगी, तो भाई 1% 0% नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये अपना डाउट्स क्लियर कर लिए। ठीक है, कोई वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, मैं बता दे रहा हूँ क्यों नहीं बढ़ेगी, जो पुरानी। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल SC के थ्रू होने वाले 52 हज़ार भर्ती, जिसमें लेखपाल बीडीओ और अन्य सभी भर्तियों के एग्जाम की तैयारी के लिए ग्रेडअप ने आपका UP SSC पेट का कोर्स लॉन्च कर दिया है। ग्रेडअप आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन संस्था है, जिसने आपके रेलवे SSC बैंक में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद इन्होंने UP SSC के 52 हज़ार भर्ती का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाकर कोर्स ले लीजिए, मैं कोर्स का डिटेल बता दे रहा हूँ कैसे आपको परचेज करने हैं। जैसे दोस्तों आप दिए लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, नीचे आप जाएंगे, नीचे आपके जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको स्टेट एग्जाम दिखाई देगा, यहाँ पे आप क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यूपी स्टेट एग्जाम पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसको वेरीफाई करना है। इसके बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, वहाँ पर आपको बाय नाउ करना है, जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर माई सुपर दिखाई देगा कोर्स के बारे में। उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें 3 महीने का UP SSC कोर्स आप दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं UP SSC पेट है, लोअर्स है, लेखपाल, सारे कोर्स इसमें UP SSC पेट में आपके एड हैं। नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको एक दिखाई देगा यहाँ पे कंटिन्यू टू पे में, ठीक है, कंटिन्यू आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कूपन डालना पड़ेगा, कूपन अप्लाई करना पड़ेगा, मैं कूपन आपको बता दे रहा हूँ कूपन नंबर क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे दिखाई देगा दोस्तों, वहाँ पे कंटिन्यू कूपन वाले पे यहाँ पे आप देखेंगे Alert 50, ठीक है, Alert 50 डालेंगे तो आपका कोर्स घटकर उसमें 4500 कोर्स में 2947 रुपये कम हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं जो कोर्स आपका 4500 में था वो 2948 रुपये में हो गया है, यहाँ पे कोड 19 देखिए, कोड आपका Alert 50 यूज करने के बाद, अब दोस्तों यहाँ पर नीचे होगा आपका
कंटिन्यू टू पे करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है, 1949 रुपये का आप देख सकते हैं UPI कार्ड पेमेंट, जैसे भी चाहे आप पेमेंट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा पे 1948 पे, आपका पेमेंट हो। इस प्रकार दोस्तों आप ग्रेड अप का UP SSC का पेड कोर्स ले सकते हैं। ALERT50 कोड यूज करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको 40% से लेकर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ALERT50 नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। क्या बढ़ेगी? तो भाई 1% 0% नहीं बढ़ेगी, ठीक है, ये अपना डाउट्स क्लियर कर लिए, ठीक है। कोई वैकेंसी नहीं बढ़ेगी, मैं बता दे रहा हूँ क्यों नहीं बढ़ेगी। जो पुरानी वैकेंसियों का डाटा अधीन सेवा चयन आयोग ने मांगा था, उसके बाद बीच में हुआ क्या, कुछ पेचीदा मामला सरकार की तरफ से हो गया, कुछ अधीनस्थ में आपके हुए क्या कि जनवरी से लेके बाद बीच समय में कुछ क्लोजिंग चले गए, और जो पदों का ब्यौरा मांगा गया था उसमें कोविड की वजह से लेट डिले हो गया। 2-3 रीजन थे, वही पदों का ब्यौरा रिपीट किया गया है, ठीक है। इसमें कोई पदों की संख्या नहीं बढ़ेगी, 10-20-50 जो वही है वही 8200 से लेके 8300 के बीच में टच करेगी। कुछ चैनल द्वारा बताया जा रहा है, तो उनका काम है भ्रांति फैलाना, मैं भी देख रहा हूँ ऐसे चैनल जो डेली एग्जाम कराते हैं, डेली रिजल्ट दे रहे हैं, और होना जाना कुछ नहीं है, ठीक है। डेली लेखपाल की भर्ती भी निकाल रहे हैं। लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार काफ़ी अच्छा संख्या में वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि पुरानी वैकेंसी बहुत खाली है। AGTA की वैकेंसी अभी इनकी ज्वाइनिंग अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, अब नई भर्ती भी आ गई है, ठीक है। आबकारी सिपाही की भर्ती आ गई है, बहुत ही बढ़िया, तैयारी करने वाले बच्चे रेडी रहे आबकारी के लिए, क्योंकि आबकारी के लिए आप प्री देंगे, प्री के बाद डायरेक्ट आपको मेंस देना पड़ेगा। मेंस आप समझे नहीं, आपको हो सकता है लिखित परीक्षा ना देके सीधे आपका फिजिकल कराया जाए। स्वास्थ्य में NM विभाग है, जिसमें 9000 के करीब महिलाओं की भर्ती होनी है, और सेवा मुख्य सेविका अनुदेशक आदि की, तो इन पदों पे भर्ती आनी है। कुछ पद आपके हाई स्कूल पे है, कुछ इंटर, कुछ अन्य योग्यता के आधार पे है। इन्हीं सारे भर्तियों का आपको ब्यौरा जो अधीन सेवा चयन आयोग ने दे दिया है, और भी भर्ती होगी जो अन्य पदों से होंगी, तो उनका भी आपको ब्यौरा मिल जाएगा अधीनस्थ के। यही आपके लिए था, OTR भरना जरूरी नहीं है। ये अन्य विभाग हैं, और भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनका भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराएगा, क्योंकि 52,000 भर्तियाँ हैं, तो ऐसे नहीं होंगी, इतने छोटे पदों में समाप्त नहीं हो जाएंगी। लेखपाल के 8,000 रहेंगे, BDO के 350-400 पोस्ट है, तो सभी भर्तियाँ ऐसे होती रहेंगी। किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पेड के लिए तैयार रहिए, और भी इसमें दिया गया है स्कोरिंग बेस पर आपकी भर्ती करी जाएगी। प्री का आपका जो पेट होगा उसका स्कोर बनाया जाएगा, मेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। अधीनस्थ यदि कहा है 15 गुना बुलाने के लिए, 15 गुना बच्चों को ये बुलाते हैं, तो 100% मान सकते हैं हम कि मेरिट पेट की बहुत ही कम जाने वाली है, ठीक है। और इसको बस 1 साल के लिए मान्य किया गया, क्योंकि सरकार को 1 साल के अंदर भर्ती कंप्लीट कर देनी है, बस भर्ती 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ये फोकस कीजिएगा। कोई प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत होगी नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको आगामी वीडियो में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।